हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम नेवी AA और SSR के एग्ज़ाम का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। नेवी AA और SSR का इस बार एक कॉमन एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। नेवी AA, SSR और MR एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड 15 फरवरी तक आपके अकाउंट में अपलोड कर दिए जाएंगे और एग्ज़ाम्स 23rd से 28th फरवरी के बीच होंगे। आपके पास है सिर्फ 10 दिन, जम के तैयारी कीजिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन कीजिए, सैम्पल पेपर सॉल्व करिए। नेवी SSR और MR के एग्ज़ाम इस बार पहली बार ऑनलाइन किए जा रहे हैं और नेवी AA एग्ज़ाम भी एक साल पहले ही ऑनलाइन होना शुरू हुआ है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास प्रैक्टिस हो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देने की और टाइम मैनेजमेंट की। तो अगर आपने अब तक नेवी AA, SSR और MR के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं करवाया तो तुरंत करें। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 15 फरवरी और नेवी AA, SSR और MR का MKC मॉक टेस्ट 17 फरवरी को कंडक्ट किया जाएगा। रजिस्टर करने के लिए जाएं www.mkcmocktest.com पर। तो बिना देर किए हम चलते हैं नेवी AA और SSR के सैंपल पेपर की तरफ। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मेजर कलशी क्लासेस इन प्रयागराज। आई एम DC द्विवेदी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेवी AA SSR एग्जामिनेशन दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड वेरी सून। आज हम लोग नेवी AA और SSR के बारे में बात करेंगे जिसकी परीक्षाएं बड़ी जल्दी होने जा रही हैं। अगर हम देखें तो इस एग्ज़ामिनेशन में 100 क्वेश्चंस आते हैं और उसके लिए 60 मिनट की टाइमिंग होती है और इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के रहते हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहते हैं और 25 क्वेश्चन GK के रहते हैं। और आज मैं इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले एक पैसेज दिया रहता है। पैसेज का मतलब है कोई एक स्टोरी दी है, कहानी दी है और उस कहानी को हमको पढ़ना है और पढ़ के समझना है। और कहानी पर या पैसेज पर आधारित 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें माइनस मार्किंग भी होती है, इसलिए सबसे पहले हमको पैसेज को बड़ा केयरफुली पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, फिर उस पैसेज पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के फिर नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं, फिर उस एप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमको सेलेक्ट करना है जो पैसेज के अकॉर्डिंग टू होगा। तो पैसेज पढ़ने की सबसे आदत डालना चाहिए। पैसेज में सबसे पहले हमें मीनिंग को देखना है, कौन कौन से वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग आपको आना चाहिए, फिर सेंटेंस को मिला के उसके अर्थ को निकालना है और जब आपको कहानी खूब समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें जैसे कि पैसेज आता है एक नॉर्मल, सामने आपको एक मॉडल पेपर दिया है और इस पेपर को अगर आप देखिए तो पहला आपका इसमें पैसेज दिया हुआ है, आवर एज इज़ द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन, ईच वन नोज मोर अबाउट लेस, वी कंसंट्रेट ऑन सम नैरो फील्ड एंड फॉरगेट अबाउट द लार्ज कॉन्टेस्ट इन विच वी वुड सी द मीनिंग ऑफ आवर ओन स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न स्पेशलाइजेशन हैज़ लेड टू द फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज, वी शुड नॉट ओनली बी स्पेशलिस्ट बट वी ऑल्सो हैव ए सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू रिकन विद द स्पिरिट ऑफ साइंस, अंडरस्टैंड इट्स लिमिटेशन एंड डेवलप एंड ओवरलुक विच इज़ कंसिस्टेंट विद इट्स फाइंडिंग्स। इट इज़ नो यूज क्लिंगिंग टू ट्रेडिशनल फॉर्म्स विच हैव लॉस्ट देयर मीनिंग, we cannot ignore the world of scientific achievement and withdraw into the inner life of contemplation, we are involved in the mechanism of modern world and so should seek even religious truth not merely with our emotions but with our minds, we cannot ignore the scientific civilization nor can we drop religion, we reconcile the two is the task set for our generation। अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पहला दिया है, द राइटर सेज दैट, कि लेखक क्या कहता है। अब हमको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में देखना है कि इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन पैसे से संबंधित है।
वी शुड नॉट बी स्पेशलिस्ट, क्वेश्चन पहला है आपका कि वी शुड नॉट बी स्पेशलिस्ट, जबकि पैसेज में कह रहा कि हमें स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। वी शुड बी स्पेशलिस्ट सेकेंड में आपको कह रहा कि वी शुड बी स्पेशलिस्ट, बट कंप्लीट आंसर नहीं है। स्पेशलिस्ट तो होना चाहिए, किसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए? वी शुड नॉट बी स्पेशलिस्ट, फिर नॉट आ गया, इसलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा। वी शुड बी स्पेशलिस्ट एंड वी शुड ऑल्सो हैव ए सेंस ऑफ मीनिंग इन लाइफ एंड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिटो लाइन आपको पैसेज में दी गई है। तो अगर आप पैसेज को आप देखें तो आपको जो सबसे क्लोज आंसर दिखता है वो डी ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। फिर पैसेज आपको दिया हुआ है, फिर उस पर बेस्ड फिर अगले क्वेश्चन दिए गए हैं। पैसेज वही रहता है, बट जितनी बार क्वेश्चन आएगा पैसेज उतनी बार लिखा रहता है। जनरली कुछ बच्चे ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने जाते हैं और बताते हैं कि सर वहाँ चार पांच पैसेज आए थे, चार पांच पैसेज नहीं होता, पैसेज एक होगा, फिर एक क्वेश्चन होगा, उसके चार ऑप्शन होंगे, फिर पैसेज लिखा होगा, फिर क्वेश्चन होगा, फिर ऑप्शन होगा। इसलिए पैसेज को अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बार बार पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज मीन्स, क्वेश्चन है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता बटा हुआ, यानी जो हमारा नॉलेज है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। यानी अब इसके ऑप्शन को देखें, सी नंबर को, स्प्लिटिंग द नॉलेज इनटू डिफरेंट फील्ड्स, कि हमारा जो नॉलेज है तमाम अलग अलग क्षेत्रों में बट गया है, तो फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग ही होती है स्प्लिटिंग, इसलिए आंसर आपका सी नंबर ज्यादा सुटेबल है। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाए, वी शुड सीक रिलीजन ट्रूथ विद, हमको जो धर्म होता है और सत्य होता है उसको किसके साथ में सोचना चाहिए। अब इसमें ऑप्शन दिया है, आवर इमोशंस ओनली, हमारे केवल इमोशंस पर आधारित होना चाहिए, आर माइंड्स ओनली, हमारे माइंड्स पर आधारित होना चाहिए, आर माइंड्स एज वेल आर आवर इमोशंस, तो जो हमारा रिलीजन होता है और सत्य होता है वो माइंड्स और इमोशन दोनों पर आधारित होता है, दैट इज गिवन इन द पैसेज, ऐसा पैसेज में लाइन लिखी हुई है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखें, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द राइटर सेज दैट वी शुड, राइटर कहता है कि हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फॉलो द रिलीजियस पाथ, जो धार्मिक रास्ता है उसको पालन करना चाहिए, फॉलो द साइंटिफिक वे, हमें साइंटिफिक वे को पालन करना चाहिए, रिजेक्ट बोथ द साइंटिफिक वे एंड द रिलीजियस फेथ, अब इसमें रिजेक्ट दे दिया गया है। अब चूंकि पैसेज पे अगर आप देखें तो रिजेक्ट वर्ड आपको कहीं पर दिखाई नहीं देता, इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, अडॉप्ट बोथ द साइंटिफिक वे एंड द रिलीजियस पाथ एंड ट्राई टू रिमूव द कंट्रडिक्शन, तो क्लोज आंसर आपका डी दिया हुआ है, इसलिए पैसेज के अकॉर्डिंग टू डी आंसर आपका होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक वर्ड आपका पैसेज में आया कंटम्पलेशन, और कंटम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन करना, मगन करना, मनन करना, यानी मेडिटेशन। द सिनोनिम ऑफ कंटम्पलेशन इज, पहला ऑप्शन है हैटर्ड, हैटर्ड माने घृणा करना, एग्जॉस्टन अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करना, मेडिटेशन चिंतन या मगन मनन करना, कवरिंग माने होता है किसी चीज़ को ढकना, तो क्लोज आंसर अगर आप देखेंगे तो कंटम्पलेशन का दिया होगा मेडिटेशन, इसलिए आंसर हो गया आपका सी। तो इस तरह अगर हम देखें तो पांच क्वेश्चन हमारे पैसेज पर बेस्ड होते हैं, पैसेज को पढ़ेंगे और पैसेज में जो रेफरेंस होगा उसी के आधार पर हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दिया है इसका पंक्चुएशन हमें देखना है। पंक्चुएशन का मतलब है सेंटेंस या तो डायरेक्ट में लिखा होगा या तो इनडायरेक्ट में, और अगर इनडायरेक्ट में लिखा होगा तो उसके आंसर को हमको पकड़ना है। द टीचर से, टीचर ने कहा टू मी, मुझसे कहा व्हाट इज योर फादर। अब इसमें चूंकि वाक्य में व्हाट लगा हुआ है यानी सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, इसलिए जब आप इसके ऑप्शन को बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा द टीचर सेड टू मी को बाहर लेके आएंगे तो द टीचर सेड टू मी, इन्वर्टेड कामाज लगाएंगे, और चूंकि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है तो व्हाट इज योर फादर, क्वेश्चन मार्क लगेगा और फुल स्टॉप लगेगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखिए, पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है, दूसरे में भी आपका सही नहीं है चूंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तीसरे को अगर आप देखें सी ऑप्शन को, द टीचर सेड टू मी इन्वर्टेड कामाज व्हाट इज योर फादर, क्वेश्चन मार्क भी लगा और फुल स्टॉप भी लगा, इसलिए ऑप्शन देते समय थोड़ा ध्यान देंगे कि कभी कभी दो ऑप्शन बड़े क्लोज्ड होते हैं और एक में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, दूसरे में लगा है, चूंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसलिए आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। फिर सेवेंथ नंबर अगर आप क्वेश्चन को देखें, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज, एक फ्रेज लिखा रहता है, इडियम्स ऑफ फ्रेज हर एक एग्जामिनेशन में आते हैं। फ्रेज को अगर आप देखिए, टू ईट ए हम्बल पाई, और टू ईट हम्बल पाई का ऑप्शन होता है टू एप्लाइज, खेद व्यक्त करना, इसलिए पहला ही आंसर आपको दिया है टू एप्लाइज,
ईडियम फ्रेज में कोई ऑप्शंस में क्या है कि हमें देखना टू द पॉइंट ऑप्शन कौन सा है, उस ऑप्शन के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ईडियम फ्रेज आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू करेक्ट सेंटेंस। और सेंटेंस एक लिखा हुआ हो उसमें एक पोर्शन आपका अंडरलाइंड है और आपको चेक करना है कि जो अंडरलाइंड पोर्शन है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग टू सही है कि गड़बड़। अगर वो गड़बड़ है तो उसमें नीचे जो ऑप्शन है उसमें कौन सा सुटेबल ऑप्शन होगा। क्वेश्चन लिखा है, माई फादर ब्रॉट, मेरे पिताजी लाए 3 dozen pen। और जब यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नंबर का आएगा, इसलिए आपका आंसर होगा माई फादर ब्रॉट 3 dozen pens। अगर ऑप्शन को देखें तो इसका जो बी ऑप्शन है करेक्ट एकदम लिखा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये नाउन के पोर्शन का होता है कि कहाँ पर नाउन को सिंगुलर यूज़ करेंगे, कहाँ पर प्लूरल करेंगे। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम का क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। अब 25 क्वेश्चन में आपने देखा कि एक आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ गया, एक ईडियम्स का क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स का है। आपका क्वेश्चन है कि हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता बाधा रुकावट, एड माने होता सहायता, परसुएशन माने रजामंदी करना, बैरियर माने रुकावट, और इंकरेजमेंट माने होता प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो हिंड्रेंस का क्लोज सिनोनिम्स होगा आपका बैरियर, बैरियर का मतलब होता है बाधा या रुकावट। क्वेश्चन नंबर 10th आपका एंटोनिम का है, तो 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका एंटोनिम का भी रहता है, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। और आपका दिया हुआ है इनसेन, और इनसेन का मतलब होता है विक्षिप्त। अब इसका उल्टा देखना है, फूलिश, फनी, कावर्डाइज और इंटेलिजेंट। तो इनसेन का जस्ट अपोजिट अगर आप देखें तो आंसर दिया हुआ है डी नंबर, इंटेलिजेंट। क्योंकि इंसेन मीन्स होता है एबनॉर्मल, जिसका दिमाग सही काम ना करे, और इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, जो चीज़ों को सही ढंग से सोचे। तो सिनोनिम एंटोनिम के एक एक क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपका है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। फिर अगला फिर फ्रेज आ गया, द पुलिस प्रोड्यूस एविडेंस टू बियर आउट द चार्ज ऑफ मर्डर। पुलिस ने ऐसे साक्ष्य रखे जो हत्या का आरोप था उसको वो क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका पास ऑफ, पास ऑफ माने गुजार देना। सेकंड ऑप्शन है आपका रिफ्यूट, रिफ्यूट मीन्स होता है नकारना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्रश, क्रश माने कुचल देना। और लास्ट ऑप्शन है आपका सब्सटेंशिएट, सब्सटेंशिएट का मतलब पुष्ट करना। तो इसलिए अगर आप देखें तो बियर आउट का शुद्ध जो मीनिंग होगा वो होगा सब्सटेंशिएट। तो जितने भी ईडियम फ्रेज होते हैं नॉर्मली 12th लेवल की बुक्स में उसको हमको याद करना पड़ता है, और उसी से आपका ईडियम फ्रेज का भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर अगर आप 12th को देखें, चूज द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें एक्टिव को या तो पैसिव में बदलना होगा या तो पैसिव को एक्टिव में बदलना होता है। जनरली एक या दो क्वेश्चन आपके वॉइस के आते हैं, या तो एक्टिव को पैसिव में होगा या तो पैसिव को एक्टिव में। अगर आप ऑप्शन को देखें तो इसमें सी ऑप्शन आपका दिया है, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। चूंकि ये सेंटेंस आपका पैसिव में लिखा है इसलिए ऑप्शन आपका सी हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में फिर वॉइस का आ गया है, दो क्वेश्चन आपके वॉइस के हो गए, चूज द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव, कौन सा एक्टिव होगा कौन सा पैसिव होगा। इसमें आई हैव बीन डन बाय इट, इट हैज़ बीन डन बाय मी, इट हैज़ टू बी डन बाय मी। तो अगर आप ऑप्शन को देखें तो हो जाएगा इट हैज़ टू बी डन बाय मी, सी ऑप्शन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14th नरेशन का आ गया, दो क्वेश्चन आपके जनरली नरेशन के आते हैं, या तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना होगा या तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में। तो एक 12th लेवल की बढ़िया सा बुक लें और उससे प्रैक्टिस करें नरेशन को। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एज वाइज वर्सा एज केस में भी। अब सेंटेंस दिया है, ये आपको डिसाइड करना है किसका आपको एक्टिव में उसमें डायरेक्ट में बनाना है कि इनडायरेक्ट में। व्हाट शैल आई से मदर सेड सी। अब ये क्वेश्चन आपका देखिए डायरेक्ट में लिखा है, स्वभाव कि आप इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो सेंटेंस आपका बनेगा सी आस्केड हर मदर, मदर को निकाल के बाहर लाएंगे। फिर क्वेश्चन मार्क है व्हाट सी शुड से। ध्यान रखेंगे कि इनडायरेक्ट में कभी भी वाक्य आपका इंट्रोगेटिव नहीं होता, इसलिए व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब शुड नहीं लगाएंगे, व्हाट के बाद में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो ये दिमाग में आपको रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन फिर आपका आ गया है, नरेशन का क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन आपके वॉइस के हो गए, दो क्वेश्चन नरेशन के हो गए। चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एज वॉइस वर्सा एज केस में भी। फादर सेड टू मी
इन्वर्टेड कामाज, स्पीक द ट्रूथ एंड बी नोबल। पिताजी ने मुझसे कहा कि सत्य बोलो और महान बनो। स्वभाव की अगर आप सेंटेंस में देखें तो ऊपर वाला सेंटेंस आपका 14 नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंस था और ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव में जनरली या तो आप एडवाइस का यूज़ करते हैं, फॉरबेड का यूज़ करते हैं, ऑर्डर का। तो पिताजी ने आपको सलाह दिया होगा, तो अगर आप डी ऑप्शन को देखें, माई फादर एडवाइज मी टू स्पीक द ट्रूथ एंड बी नोबेल, क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑर्डर का यूज़ नहीं किया जाता, फॉरबेड लगाएंगे नहीं, एसेट का यूज़ करेंगे नहीं, चूँकि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है, फिल इन द ब्लैंक्स में जनरली प्रेपोजिशन के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो प्रेपोजिशन को बढ़िया से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपका प्रेपोजिशन का है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। रोहन विल कम हियर संडे नेक्स्ट, और जब भी सेंटेंस में संडे मंडे ट्यूजडे दिया रहता है वहाँ पर जो प्रेपोजिशन होता है वो ऑन ही लगाया जाता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूजडे। तो रोहन विल कम हियर ऑन नेक्स्ट संडे, ऑप्शन ए है आपका, फ्रॉम होगा नहीं, सिंस होगा नहीं, फॉर नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज, बचपन से जो आप चीज़ें सीखते हैं उसके आधार पर आप आंसर को देते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस, और सेंटेंस लिखा फ्रॉक्स, मेढक, और फ्रॉक्स के आगे डैश दिया है, नीचे चार ऑप्शन है, चारों में जानवरों की आवाज़ें दी गई हैं। जैसे वर्ड होता है आपका क्रॉक, क्रॉक का मतलब होता है टर टर की आवाज़ निकालना, जो मेढक निकालता है। हाउल, इसका मतलब होता है जो जैकल्स होते हैं, सियार होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है। स्क्रीम का मतलब जनरली डर के मारे आप चीखते हैं। और ने माना होता है हिनिनाना, जो घोड़े की आवाज़ होती है। तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन मान सकते हैं कि इसमें मेंटल एबिलिटी का यूज़ करना, कि जो फ्रॉक्स होते हैं उनकी आवाज़ को क्या कहा जाता है, उसके लिए वर्ड होता है क्रॉक। तो ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। अ डैश लिखा है ऑफ राइटर्स, राइटर माने होता है उपद्रवी, अटैक द बेस्ट बेकरी प्रीमाइजेस, कि जो राइटर थे उनके भीड़ ने बेस्ट बेकरी का जो प्रीमाइजेस था यानी एक दुकान थी वहां पर अटैक कर दिया। तो जो उपद्रवी लोग होते हैं, तोड़फोड़ करने वाले लोग होते हैं, उनके समूह के लिए हम मॉब वर्ड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन का क्वेश्चन है कि ग्रुप का यूज़ कहाँ करेंगे, मॉब का कहाँ करेंगे, फ्लॉक का कहाँ करेंगे, क्राउड का करेंगे। तो जितने उपद्रवी लोग होते हैं, तोड़फोड़ करने वाले, उनके समूह के लिए मॉब वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसलिए आंसर आपका बी नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर इसमें आ गया, ये कंडीशनल सेंटेंस है, वी शैल नॉट कम, हम नहीं आएंगे, चूंकि सेंटेंस आपका निगेटिव है इसलिए इसमें इफ का यूज़ नहीं करते, अनलेस का करते हैं। तो वी सेल नॉट कब अनलेस यू नीड मी, तो अनलेस आपका ऑप्शन हो गया, अंटिल नहीं लगा सकते, चूंकि अंटिल जो होता है टाइम के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 20th, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर प्रेपोजिशन का आ गया है, सी हैज ए ग्रेट इंटीमेसी, अगर याद करेंगे तो प्रेपोजिशन में इंटीमेसी के बाद में हमेशा विद का यूज़ किया जाता है, ऑन नहीं लगता, टू नहीं लगता, फ्रॉम। तो जो प्रेपोजिशन होते हैं दो तरह से यूज होते हैं, एक तो भाव के अनुसार सेंस के अकॉर्डिंग, दूसरा वर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये जो इंटीमेसी के बाद में विद लगता है ये वर्ड के अकॉर्डिंग टू होता है, नॉर्मल सभी किताबों में दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 21st, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर प्रेपोजिशन का आ गया, तो अगर आप देखें तो नेवी SSR में प्रेपोजिशन का बड़ा रोल होता है, इसलिए प्रेपोजिशन के ऊपर खूब प्रैक्टिस करें। सी शोड हर ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माना होता आभार, और ग्रेटिट्यूड के बाद में हमेशा फॉर ही लगता है, कोई दूसरा वर्ड नहीं लगता। सी शोड हर ग्रेटिट्यूड फॉर द हेल्प सी गेव, तो पहला ही ऑप्शन आपको दिया ए ऑप्शन फॉर, एट लगेगा नहीं, ऑन भी नहीं होगा, बाय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22nd, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये वर्ब का क्वेश्चन आ गया, द आर्मी डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। अब सेंटेंस को हमें देखना है कि आर्मी हमारा, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग आप सिंगुलर में करेंगे कि प्लूरल में। तो अगर इसमें ऑप्शन को देखें, सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो इसमें प्रोनाउन आपका इट्स लगा हुआ है। इट्स का मतलब जो राइटर है वो आर्मी को सिंगुलर नंबर में ट्रीट कर रहा है, इसलिए शुद्ध आंसर आपका होगा हैज, द आर्मी हैज डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। इट्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इट्स होगा, अगर यहाँ पर देयर होता तो हमें हैव लगाना पड़ता, इसलिए आंसर आपका हैज हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। फिर प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, द हॉल हैज ए सीटिंग कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कैपेसिटी के बाद हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। द हॉल हैज ए सीटिंग कैपेसिटी फॉर,
500 स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन आपका सी होगा। तो प्रीपोजिशन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा ये आप देख सकते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, श्याम इज मोर हैंडसम ऑफ हिज टू ब्रदर्स। तो जनरली जो द आर्टिकल होता है वो कंपेरेटिव डिग्री के पहले भी लगता है, लेकिन कंपेरेटिव डिग्री के पहले द तभी आप लगा सकते हैं अगर उसमें टी डब्ल्यू टू वर्ड का यूज किया जाए। अगर कंपैरिजन सिर्फ दो के बीच में होता है तभी कंपेरेटिव डिग्री के पहले द लगता है, अदरवाइज नहीं लगता, क्योंकि इसमें टू ब्रदर्स लिखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा द, ए नहीं होगा, एन नहीं होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड सेंटिएंट। फिर ये सिनोनिम का वर्ड आ गया कि सेंटिएंट का मतलब क्या होता है, विवेकशील, किसी चीज़ के अंदर निर्णय लेने की जो आपके अंदर क्षमता होती है, सोचने की जो क्षमता होती है। सिंसियर मन होता सच्चा वास्तविक, सेन मन होता समझदार, फूल मन होता मूर्ख, और कॉन्सेंस मन होता विवेक, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो सेंटिएंट का जो सिनोनिम्स होगा, क्लोज सिनोनिम, वो कॉन्सेंस होगा, इसलिए आंसर होगा आपका डी। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपको एक आइडिया चलेगा कि नेवी डबल ए और SSR की एग्जामिनेशन की इंग्लिश में तैयारी कैसे की जाए। तो जनरली 25 क्वेश्चन को आप देखें तो इसमें 5 क्वेश्चन आपके पैसेज के होते हैं, 2 क्वेश्चन आपके वॉइस के होंगे, 2 क्वेश्चन आपके नरेशन के होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपके ईडियम और फ्रेजेस के होते हैं, 1 क्वेश्चन आपके सिनोनिम्स का है, 1 क्वेश्चन एंटोनिम्स का है। इसमें जनरली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बाकी 8 से 10 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के होंगे। अगर 10 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रेपोजिशंस के होते हैं, 1/2 क्वेश्चन आपका आर्टिकल का होगा, 1 क्वेश्चन आपका नाउन का भी हो सकता है। बाकी पूरी जितने भी पार्ट्स आप स्पीच ग्रामर के होते हैं उसमें कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, और जितने भी इसके फर्दर जो सेक्शंस हैं, मैथ्स हैं, रीजनिंग है, वो कंटिन्यूस इसमें आपको मिलेगा, तो इसको देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय प्रकाश पांडे, हेयर आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, नेवी SSR का जो साइंस पोर्शन है, नेवी SSR और डबल ए का, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो आपके पास है ये, फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ विथ ए कांस्टेंट स्पीड द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इन। ऑप्शन है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन। तो अगर देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो देखा जाए तो वेलोसिटी तो डायरेक्शन बदलती रहती है, तो वेलोसिटी तो बदलता रहेगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, परंतु जो डायरेक्शन होगी एक्सीलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की, वो डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है, इसलिए इसका जो आंसर होगा ए पार्ट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेरीज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो फिक्स होता है लेकिन डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की बदलती रहती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द फर्स्ट ऑप्शन है मॉसेस ऑफ द पार्टिकल, फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास तो मासेस ऑफ द पार्टिकल मास पे डिपेंड करेगा ही, पोजिशन ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल पोजिशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इन जनरल हम लोग जानते हैं m1r1+m2r2+m3r3/m1+m2+m3, तो पोजिशन पर भी निर्भर करेगा। रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के बीच जो रिलेटिव सेपरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कि फोर्सेस ऑन द पार्टिकल, दैट इज द करेक्ट आंसर। फोर्सेस ऑन द पार्टिकल पे सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता है, किस पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्वांटिटीज डू नॉट हैव सम डायमेंशनल फार्मूला, सेम डायमेंशनल फार्मूला, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ मोमेंटम,
कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इनर्जी डेंसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इम्पल्स एंड मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे हम लोग जानते हैं कि बोर एटॉमिक मॉडल में एंगुलर मोमेंटम होता है या छपान 2π, तो 2π का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो इसलिए h की जो डायमेंशन होगी वही एंगुलर मोमेंटम की होगी। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ मोमेंटम की डायमेंशन सेम होगी। कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कपल, कपल मतलब टू इक्वल फोर्स लगते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस पे, जो दो इक्वल फोर्स लगते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वो कपल होता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इन दोनों की भी डायमेंशन सेम होगी। इम्पल्स एंड मोमेंटम, इम्पल्स होता है एफ इनटू डेल्टा टी, एंड मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, इन दोनों को भी डायमेंशन सेम होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन, एनर्जी डेंसिटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनर्जी डेंसिटी ML^-1 T^2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ML². एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि एनर्जी पर यूनिट वैल्यूम, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों डायमेंशन अलग अलग हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन दैट एफ इज द फोर्स एंड एस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर इज थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर वर्क। तो वर्क, वी नो दैट वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइदर वी कैन राइट W इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा। यह वेक्टर क्रॉस एस वेक्टर, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन, इसमें फोर्स है ही नहीं, ये भी इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। एंड मॉड ऑफ एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर कॉस थीटा, ठीक। यहाँ डॉट प्रोडक्ट भी लगा है, वेक्टर है, तो इसलिए कॉस थीटा नहीं होना चाहिए। तो मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एज इट राइजेस, देयर इज इंक्रीज इन इट्स। अगर किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो उसमें क्या चीज बढ़ेगी? मोमेंटम, मोमेंटम तो नहीं बढ़ेगा, बिकॉज वेलोसिटी डिक्रीज करेगी ऊपर जाने पे। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन की बात ही नहीं है, जी फिक्स होता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी अगर घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, तो h के बढ़ने के साथ साथ, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो आंसर इज डी, पोटेंशियल एनर्जी। सिक्स्थ क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग इसको इजीली वी कैन कैलकुलेट, वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ पर m1 और m2 दो पिंडों के द्रव्यमान, मास ऑफ टू बॉडीज एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इजली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, एंड फाइनल आंसर इज m^-1 L³ T^-2। हैंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच टाइप ऑफ फ्लूड इज बर्नौली थ्योरम स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। बर्नौली थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? कंप्रेसिबल, बिल्कुल गलत, कंप्रेसिबल के लिए बर्नौली थ्योरम अप्लाई नहीं होता है।
एनिसोट्रॉपिक, बिल्कुल नहीं, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए सोल्यूशन। बिस्कस, बिस्कस भी नहीं होना चाहिए। तो नन ऑफ द एबव, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट इज एप्लीकेबल टू नॉन कंप्रेसिबल, आइसोट्रॉपिक एंड नॉन विस्कस लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन आइडियल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो मोनोएटॉमिक के लिए होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाइएटॉमिक के लिए होता है 5, पॉलीएटॉमिक के लिए होता है 6। मोनोएटॉमिक के डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों ट्रांसलेशनल, डाइएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल एंड 2 रोटेशनल, पॉलीएटॉमिक में 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल। सो आंसर बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज स्फीयर होता है तो संपूर्ण चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, उसके पृष्ठ पे आ जाता है। तो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल गलत ऑप्शन, दोनों नहीं होंगे। नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी गलत। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, चार्ज स्फीयर के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगी। तो आंसर ए इज करेक्ट। 10, हाउ डज द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर एग्जीक्यूटिंग या सचम बेरी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी हम लोग जानते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इट इज सेम एवरीवेयर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। सो टोटल एनर्जी ऑफ द एस एच एम विल बी कॉन्स्टेंट। 11th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हार्मोनिक प्रेजेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो म्यूजिकल नोट जो होता है, म्यूजिकल नोट का जो क्वालिटी होता है नंबर ऑफ हार्मोनिक पे निर्भर करता है। तो जैसे म्यूजिकल साउंड्स होते हैं तो ओपन आर्गन पाइप से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि हम ओपन आर्गन पाइप में दोनों इवन एंड ऑड दोनों हार्मोनिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 11th का आंसर है नंबर ऑफ हार्मोनिक प्रेजेंट, 11th का ए। 12th क्वेश्चन, द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम थ्रो 0.5 मीटर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, 1 जूल, 4 जूल, नन ऑफ द एबव। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब कि उसका पोटेंशियल सरफेस पे चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन हम लोग जानते हैं क्यू इंटू डेल्टा वी, तो वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। 13, ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पी एम इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय कटिंग पैरेलल टू इट्स लेंथ, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ आइदर पीस विल बी पी एम बाई 4, पी एम बाई 2, पी एम, नन ऑफ द एबव। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है हम लोग बार मैग्नेट में जानते हैं, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल को हम एक मैग्नेटिक पोल की तरह लेते हैं, जहाँ पे प्लस एम माइनस एम, प्लस एम माइनस एम
मैग्नेटिक चार्ज रखते हैं, तो अगर उसको पैरेलली हाफ कट कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाने की वजह से उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी आधा हो जाएगा। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। 14, हैवी वाटर ऑफ एन एटमिक रिएक्टर इज, हैवी वाटर जो एटमिक रिएक्टर में यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम लोग जानते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है DTO, ठीक है। तो एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन, एन ऑक्साइड ऑफ आइसोटोप हाइड्रोजन, ये सब गलत है। ए मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर, तो एन ऑक्साइड ऑफ हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो हैवियर आइसोटोप होता है D2O, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक। नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज रैपिडली इंट्रोड्यूस इन टू सोलेनॉइड एट द इंड ए, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिपेक्ट द फिनामिन टेकिंग द प्लेस? नो इंड्यूस्ड EMF इज डेवलप, ये तो गलत है, EMF इंड्यूस होगा ही। द इंड ए ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए साउथ पोल, द इंड ऑफ ए ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल, द इंड ऑफ ए ऑफ द सोलेनॉइड रिक्वायर्स पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इंड ऑफ ए लेंजिला बताता है हम लोगों के अनुसार, इट हैपेंस इन द अकॉर्डेंस विद द लेंजिला, तो लेंजिला गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन द सर्किट व्हेन इट इज इंड्यूस्ड बाय फैराडेला, हेंस एंड इंड ए बिकम्स नॉर्थ पोल। अगर आप नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले आएंगे तो सोलेनॉइड में भी इंड ए में नॉर्थ पोल जनरेट होगी, जिससे कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का विरोध कर पाए। लेंजला बोलते हैं कि जिस रीजन से उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, तो अगर नॉर्थ पोल होगा तो नॉर्थ पोल रिपेल टू ईच अदर, सो आंसर सी इज द करेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ आईज पीस, कीपिंग लेंसेस एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, डिक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो मैग्नीफाइंग पावर, टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बड़ा होता है और आई पीस होता है जो वो छोटा होता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंथ का आप फोकल लेंथ बढ़ा करके आप उसकी मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ा सकते हैं। तो हियर आंसर सी इज द करेक्ट, इंक्रीजिंग फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके। 17, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? तो वी नो दैट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1/λ इज इक्वल टू R(1n²-1m²), हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में ये वेवलेंथ के लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जहाँ n पे है, जहाँ पे n लोअर ऑर्बिट है, m है अपर ऑर्बिट, तो इसमें सीरीज बनती हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड। तो लाइमन सीरीज का जो रेंज होता है वो होता है अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर का होता है विजिबल रेंज और पाश्चन का होता है इन्फ्रारेड रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रेंज की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n = 2 n = 1, क्योंकि दैट इज लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज मतलब अल्ट्रावायलेट, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at² + bt + c, इफ v इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड द यूनिट ऑफ, वी नो दैट कि अगर कोई फार्मूला करेक्ट है तो जो उसका डायमेंशन LHS का होगा वही डायमेंशन RHS का होगा, एंड इफ एनी टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड ओनली व्हेन दे हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, दे हैव सेम डायमेंशन। तो इसका मतलब कि जो डायमेंशन ए टी स्क्वायर की होगी वही डायमेंशन बी टी की होगी, वही डायमेंशन सी की होगी। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा यूनिट ऑफ ए इज़
एक यूनिट अगर निकालेंगे तो एल टी माइनस वन वीक होती है एल टी माइनस वन डिवाइड बाई टिक पावर माइनस टू, तो आ जाएगा एल टी माइनस थ्री, तो यूनिट आ जाएगा मीटर मीटर सेकेंड पावर माइनस थ्री। अब बी के हो जाएगा मीटर सेकेंड पावर माइनस टू एंड सी का हो जाएगा मीटर सेकेंड पावर माइनस वन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सी सी की यूनिट यहाँ पे मैच कर रही है, सी इज मीटर पर सेकेंड, हेंस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 19 ए फोर्स या फिर अप्लाइड ऑन बॉडी विच मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकेंड, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंज फ्राम 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 40 ग्राम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एफ इज, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे जो संवेग परिवर्तन है, संवेग परिवर्तन की दर उसको हम लोग फोर्स बोलते हैं, बल। तो 40 माइनस 10, तो 40 माइनस 10 आ जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई 3, 30 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 10, और सारे सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 बाई 3 इज इक्वल टू 10 डाइंस। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज 2 मेगा जूल, व्हाट इज इट्स टोटल एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो सैटेलाइट का होता है GMM/2R, पोटेंशियल एनर्जी -GMM/R और टोटल एनर्जी -GMM/2R, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ओनली साइन इज डिफरेंट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 2 मेगा जूल है तो पोटेंशियल टोटल एनर्जी भी 2 मेगा जूल हो जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू जनरेट 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट। तो व्हाट इज इक्वल टू 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी। अब वी नो दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। तो 1 किलो कैलोरी में अगर हम 4.2 जूल का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 4.2 × 10³ जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, 4.2 × 10³ जूल। 22 नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंड वायर इज गिवन बाय। तो ये डायरेक्ट इलास्टिसिटी का फार्मूला है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। वी नो दैट हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, W/A × L, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द एनी वायर और एनी किसी भी तार में इतना इलास्टिक एनर्जी स्टोर करती है। दैट इज नॉलेज बेस्ड, यू हैव मस्ट रिमेंबर टू दिस फार्मूला। मोस्ट ओजोन गैस इज लोकेटेड इन द एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर। तो ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए कि ओजोन की लेयर है वो कहाँ पे लोकेट करती है। तो इसका आंसर है सी, स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल वॉल ईच आर द रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड मास 1 kg ईच आर प्लेस्ड टचिंग वन अनदर ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेयर इज दियर सेंटर ऑफ मास लोकेटेड। तो सेंटर ऑफ मास मास पे, पार्टिकल के मास पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि अगर स्फेरिकल बॉल है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तो का सेंटर मास नहीं हो सकता, क्योंकि स्फेरिकल बॉल का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो स्फेयर के सेंटर पे होता है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से थोड़ा ऊपर ही होगा। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी टू स्फेयर्स, ऐसा कोई नहीं है कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पे ही होगा। एट द सेंटर ऑफ वन बॉल, किसी वन बॉल के सेंटर पे नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका मतलब कि नन ऑफ द एबव, इसमें कोई आंसर सही नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ 3 स्फेयर, तीनों स्फेयर के मिड में जहाँ भी उनका सेंटर ऑफ लाइन होगा
जहाँ पे तीनों एक सेंटर, तीनों स्फीयर के सेंटर लाइन जो होंगे उस पर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास इज सिमेट्रिकली प्लेस बिटवीन टू सेंटर ऑफ थ्री स्फीयर, सिमेट्रिकली प्लेस हो जाएंगे कहीं पे, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ऊपर रहेंगे, ठीक। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ब्लड। दिस इज ऑल्सो ए नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। तो पोटेशियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम। तो पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक्स फॉर ऑल, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेसी, आई एम जेके प्रसाद। अब हम लोग डबल ए और एसएसआर के लिए जीके पोर्शन पर चर्चा करने के लिए आए हैं। ये इसमें पहला प्रश्न है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड इन। इसमें चार विकल्प दिए हैं, कोल्डी हवा, ये लहुरा देव, मेहरगढ़ और टोकावा। इसमें आपका आंसर होगा लहुरा देव, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8000 BC का आपका राइस उत्पादन का प्रमाण मिलता है। तो आपका आंसर हुआ लहुरा देव। दूसरा क्वेश्चन, विच प्लेस रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउ सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ये आपका दिया हुआ है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। ओबियसली हड़प्पा इज सिचुएटेड ये इन पाकिस्तान नाउ, तो आंसर आपका होगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रई इज द नेम ऑफ, ये आपका विकल्प दिया हुआ है थ्री वेदास, धम, यूनियन एंड बुद्धा, ये द थ्री गॉड्स ऑफ हिंदू रिलीजियन, थ्री सीजन्स। ये आपका त्रई मीन्स ये तीन वेद हैं, यानी थ्री वेदास इसका आंसर होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस ग्रीक ये एम्बेसडर मेगास्थनीज केम टू इंडिया इन हुज कोर्ट। तो आपका आंसर दिया हुआ है, यानी विकल्प अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और हेमू, लेकिन आपका आंसर इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज आपका आया था, यानी आंसर आपका हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूलर ड्यूरिंग हुज रिजिम गुरु नानक देव इंट्रोड्यूस सिख रिलीजियन वाज। तो इस स्वाभाविक सी बात है कि ये आपका विकल्प दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं और अकबर। आपका आंसर होगा सिकंदर लोदी, क्योंकि इन्होंने उसी के काल में ये आपका सिख धर्म को चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बिल्ट इन फतेहपुर सीकरी बाय अकबर, यानी मोती पैलेस यानी मोती महल, आपका पंच पैलेस यानी पंचमहल, रंग महल और हीरामल। ये आपको हीरामल पैलेस, ये आंसर आपका होगा पंचमहल, और यह अकबर के द्वारा बनाया गया फतेहपुर सीकरी में ये बहुत खूबसूरत महल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आज रिलेट विथ द रैयतबाड़ी ये सेटलमेंट इन मद्रास। तो आपको तीन सेटलमेंट, चाहे जमींदारी सिस्टम हो, चाहे रैयतबाड़ी सिस्टम हो, चाहे आपको महलवाड़ी, इनमें आपका विकल्प दिया हुआ है मेलकम, मेटकाफ, मुनरो और अल्फिस्टन। ये आपका आंसर होगा मुनरो, यानी थॉमस मुनरो ने आपको रैयतबाड़ी सिस्टम को मद्रास में इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड स्टार्टेड ये भूदान मूवमेंट। तो ये विकल्प आपका दिया हुआ है जयप्रकाश नारायण, जे बी कृपलानी, विनोबा भावे और श्री ये गुरुजी। विनोबा भावे ने भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी, आपका आंसर विनोबा भावे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइटल कन्फेयर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही रिटर्न बैक ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट वाज। ये यानी महात्मा गांधी ने कौन सा आपका टाइटल रिटर्न किया था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो वह आपका था कैसरे हिंद,
यानी कैसर हिंद की उपाधि को उन्होंने रिटर्न कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द क्रिटिक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड ऑल्सो ए सपोर्टर ऑफ बेटर रिलेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ये आपके चार विकल्प दिए हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, आर एन टैगोर और बी जी तिलक। यह अंतर्राष्ट्रवाद को मानने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, अतः आंसर आपका होगा आर एन टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट इन वेस्टेड इन, यानी नए राज्य के बनाने के आपको शक्ति किसमें बेस्ट है, अंतर्निहित है, तो दिया हुआ है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट रिफॉर्मेशन कमीशन। आपका ओबियसली आंसर पार्लियामेंट यानी संसद होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर एज, आपका कैसा ये अब राइट है, तो इसमें दिया हुआ है इंक्लूड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ए फंडामेंटल राइट, ये स्टेट्यूटरी राइट और नन ऑफ द एबव। आपका अब 1866 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में इसको एक फंडामेंटल राइट के अंतर्गत रख दिया गया है, एक आर्टिकल 21A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये द फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट बिटवीन मेड। ये आपका विकल्प ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47। ये आपको आर्टिकल 43A के द्वारा इसमें रखा गया है और 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट इन ये इंड्यूस्ड इन। आपका ये प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह नेचुरल ये इन्वायरमेंट को यानी आपको जलवायु को प्रोटेक्ट करे। यह आर्टिकल आपका 51A दिया गया है जो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत रखा गया है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंस द कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। स्वाभाविक सी बात है कि लाभ का पद कौन डिफाइन करता है। विकल्प दिया है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओबियसली यह पावर आपका यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग आर ऑथराइज टू कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट काउंसिल, यानी किन किन लोगों को लोकसभा और स्टेट काउंसिल में वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, द मेंबर इलेक्टेड फॉर लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर इलेक्टेड फॉर अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट। तो स्वाभाविक सी बात है कि द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट का यह अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आई विल हैव ट्रू फेथ एंड रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई विल इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन फैक्ट आई विल परफॉर्म माई ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस, आई विल डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एज वेल। दिस ओथ इज टेकन बाई, ये आपके फोर विकल्प दिए हुए हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाई द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द गवर्नर। ये आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया ओथ है यानी शपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज डू एसिड रेन अकर्स, यानी आपका किस स्थान पर ये अम्लीय वर्षा होती है। तो चार विकल्प दिए हुए हैं, इटली, फ्रांस, कनाडा और स्पेन। ये आपका एसिड रेन इटली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ टेरा रोसा अकोर्स इन द ये ज्योग्राफिकल रीजन विन विच हैज, यानी आपका टेरा रोसा नामक ये आपका ये ज्योग्राफिकल रीजन किस ज्योग्राफिकल रीजन में क्षेत्र में आपका ये होता है। तो आपका दिया हुआ है लाइमस्टोन, ये साइनाइट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। ये टेरा रोसा एक रेड क्ले सॉइल है
यानी रेड क्ले सॉइल, जिसके कारण यह आपको लाइम स्टोन में होता है और इसलिए आपका आंसर होगा लाइम स्टोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका चार विकल्प दिए हुए हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। आपका आंसर गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट सिटीज वेनेजुएला इज डेवलप्ड एज आयल पोर्ट, तो आपका चार विकल्प इसमें दिए गए हैं, ये काराकास, माराकैबो, ये मराके एंड करोपेनो। आपका इस तरह का ये आयल पोर्ट बनाया गया है माराकैबो में, सेकंड विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एक्सपेक्टेड एविडेंस ऑफ रियरिंग ऑफ कैसल वाज स्टार्टेड, यानी पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई इस तरह के आपको खुदाई की गई है। विकल्प दिया है लोअर प्री स्टोन एज, मिडिल प्री स्टोन एज, अपर प्री स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज। ऑब्वियसली पशुपालन का प्रमाण आपको मिडिल ये स्टोन एज में मिलता है, जो बागौर और ये आपको ये बागौर के क्षेत्र राजस्थान में प्राप्त होता है। आपका आंसर होगा मिडिल स्टोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट बाण भट्ट वाज द रेजिडेंस ऑफ, यानी आपको बाण भट्ट किसके रेजिडेंस में रहते थे? तो पाटलिपुत्र, या कह सकते हैं कि कहाँ पैदा हुए थे, तो पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर एंड औरंगाबाद। तो बाण भट्ट का जन्म आपका निवास था औरंगाबाद, जो बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आज द कंपोजर ऑफ कीर्ति पिलर यानी स्तंभ इलोजी, यानी कीर्ति स्तंभ को किसने लिखा, ये कीर्ति स्तंभ को किसने लिखा? इसमें आपका विकल्प है सोमदेव, जयता, नेथा और अभी कवि। इसको कीर्ति स्तंभ को लिखने वाला कवि अभी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स ये बाबर डिक्लेयर जिहाद, जिहाद द होली वार। तो विकल्प आपका दिया है द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ खानवा, द बैटल ऑफ चंदेरी, नन ऑफ द एबव। ये 1527 में द बैटल ऑफ खानवा हुआ था और राणा संग्राम सिंह के खिलाफ आपको लड़ते हुए बाबर ने आपको जिहाद का स्लोगन दिया था, नारा दिया था। तो आपका विकल्प होगा यानी आंसर होगा द बैटल ऑफ खानवा। ये आपके लिए जो कुछ भी प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये डबल ए और SSR दोनों के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आप स्टडी कीजिए और फिर अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी तैयारी ठीक ढंग से कीजिए। दैट्स ऑल। मैं वेद प्रकाश सिंह, मैथ्स फैकल्टी, मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। अब हम आपको ले चलते हैं अगले पोर्शन मैथ्स पर। पहला क्वेश्चन, समीशन n इक्वल टू 1 to 200 आई का पावर n, जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे यह एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगा और सम ऑफ गुणोत्तर श्रेणी अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर 0। दूसरा क्वेश्चन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे तो ax-1 x-a = 0, इसका मतलब पहला रूट a और दूसरा रूट 1/a। तीसरा, सैलून वर्ड में दो ओ कभी ना आए तो पहले हम लोग मान के चलते हैं कि दो ओ आए, इसका टोटल वैल्यू 360 और दो ओ एक साथ हों इसका वैल्यू 120, तो दोनों एक साथ ना हो 360-120 दैट इज़ इक्वल टू 240। चौथे क्वेश्चन में हम लोग अगर एक्सपेंड करें तो मान लेते हैं आर्थ टर्म में एक्स का पावर 0 है और इसको कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू 6 आएगा और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हम आर का वैल्यू 6 रखें तो ओवरऑल आएगा 9c3 1/6 का पावर 3। पांचवे क्वेश्चन पर अगर हम देखें, ए इंटरसेक्शन इन ब्रैकेट ए यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू, दिस इज़ द डायरेक्ट फार्मूला बाई एसोसिएटिव लॉ दैट इज इक्वल टू 5, नल सेट। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन इज ब्रोकन व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। इफ वी डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0 देन वी फाइंड दैट द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वुड नॉट बी इक्वल, इट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड एट एक्स इक्वल टू 0। 7,
log log 7x base 7. First of all, we will change. हम इसको चेंज करेंगे log e के बेस पर, जो कि आपको दिख रहा है log 7x base e बटे log 7 base e. And differentiation would be finally log e base 7 oblique x log x base e. Question number 8. इनमें देख रहे हैं कि दोनों लाइन समानांतर हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लोग जानते हैं, मार्ट सी वन माइनस सी टू आब्लिक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7/2. 15C3R इक्वल टू 15C R+3. हम लोग इसमें अगर पास्कल रूल अप्लाई करें तो 15-3R इक्वल टू R+3 सॉल्व करेंगे तो R का वैल्यू 3 आएगा. इनवर्स, इनवर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए आब्लिक डिटर्मिनेंट ए, एंड एडजॉइंट वुड बी 2, 3, 4, 2 एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स इज -1/8. सो द फाइनल आंसर इज -1/8 मैट्रिसेस 2, 3, 4, 2. क्वेश्चन नंबर 11. फंक्शन इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स आब्लिक 1+6. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एफ जो एफ ओ जी एक्स द कंपोजिट फंक्शन. इफ वी अप्लाई देन फाइनली वी विल आंसर गेट द एक्स दैट वुड बी द आइडेंटिटी फंक्शन. 2t, क्वेश्चन नंबर 12. 2t इक्वल टू वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी. नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड 2v dv oblique dt दैट इज इक्वल टू 2. इट मीन्स dv oblique dt दैट इज इक्वल टू 1/v. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स. वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1/√2 ऑन द बोथ साइड. सो वी विल गेट 1/√2 साइन कॉस 45 प्लस कॉस साइन 45. इट विल बी कॉसेक एक्स 1/π/4 dx एंड इट इज़ द डायरेक्टली फार्मूला 1/√2 log π/8 प्लस दैट इज एक्स 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. dy/dx दैट इज गिवेन 1/2y. नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड वी विल गेट y² इक्वल टू x प्लस c. दिस कर्व इज पासिंग थ्रू 4, 3. वी विल पुट द 4, 3 इन द गिवन इक्वेशन. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c दैट इज इक्वल टू 5. इट मीन्स अवर रिक्वायर्ड कर्व इज y² इक्वल टू x प्लस 5. नाउ द 5, 15 फोर पॉइंट्स आर गिवेन एंड हियर वी आर लुकिंग दैट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दैट इज 0. इट मीन्स ऑल द फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ इफ क्वेश्चन नंबर 16. द सर्किल इज गिवेन. इट मीन्स वी विल गेट द सेंटर दैट इज इक्वल टू 2, 3 एंड वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 3, 4. वी नो दैट द डायमीटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द बोथ एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर. सो वी विल गेट द P2 द कोऑर्डिनेट 1, 2. नाउ द पैराबोला इज दैट इज द स्टैंडर्ड पैराबोला y² इक्वल टू 4ax एंड दिस पैराबोला इज पासिंग थ्रू -3, 2. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेट. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a. इट मीन्स 4a इक्वल टू 4/3 एंड दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम. क्वेश्चन नंबर 18. y इक्वल टू 2x प्लस c. इट वुड बी टेंजेंट टू द एलिप्स. देन कंडीशन वी नो c इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b a एंड m. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ c प्लस माइनस 6. क्वेश्चन नंबर 19. हियर द हाइपरबोला इज गिवेन एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज गिवेन. इट्स द फोकी इज गिवेन. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a 4√2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस बोथ आर इक्वल. इट मीन्स a इक्वल टू b. पुट द वैल्यू. We will get the final answer of hyperbola that is x² - y² equal to 32. Now the question number 20. Tan beta equal to cos theta and tan alpha then tan square theta by 2. We know that tan square theta by 2 that is equal to 1 - cos theta / 1 + cos theta. Put the value of cos theta that is equal to tan beta / tan alpha. Finally, we get the tan alpha - tan beta / tan alpha + tan beta and put it in the form of sine and cos. We will finally get the answer sine alpha - beta / sine alpha + beta. Here, question number 21. Cos 20, cos 40, cos 80. We know 20, 40, 80. This is in the arithmetic progression. And this is the trick.
1 by 4 cos A. A is here 20. 20 into 3, that is equal to 1 by 4 cos 60. The value of cos 60 is 1 by 2, means 1 by 4, 1 by 2, that is 1 by 8. Now, a vertical pole, its heights are given, and the two vertical poles are 120 meter apart. Now, two point A and B on this basis, and make the angle 45 from the top of the height. So, the base would be H plus 30 plus S, that is equal to H equal to 45. Now, cos inverse and 2 tan inverse 1 by 5, it is given. 2 tan inverse 1 by 5, if we apply the formula, we will get 2 tan inverse 1 by 5 equal to cos inverse 1 minus 1 oblique 25, 1 plus 1 oblique 25. Now, both are given in the form of cos inverse 15 oblique 17 plus cos inverse 12 oblique 13. Now, apply the inverse formula of the cos inverse A plus cos inverse get. We finally get the answer cos inverse 140 oblique 221. Now question number 24. On a point, there are three forces. The resultant of these forces, F1 plus F2 plus F3, that is 4i plus 4j plus 2k. And the point P on which the force is acting 1 minus 2, 0, and about the point, that is given. So, Torque means moment is OP cross F, and if we apply the cross formula, finally we will get 2i minus 10j plus 16. This is torque and its magnitude would be 6 root 10. Question number 25. Domain of function fx equal to sin inverse 5x. We know that the value of 5x, it is from minus 1 to plus 1, and we will divide by 5 on the both sides. Finally, we will get the answer of x minus 1 by 2, 1 by 5. It means its domain is minus 1 by 5 up to 1 by 5 in close bracket. अच्छा, तो बच्चों जो है इसी तरह का पेपर हम लोग नेवी डबल ए एसएसआर में देखते हैं. यह हमारा एक सिंपल पेपर था. इसी तरह के क्वेश्चन आप मैथ्स में पाएंगे, 25 साइंस में पाएंगे, 25 इंग्लिश में पाएंगे, 25 एंड जीके में 25. तो बच्चों समय कम है, 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, तो समय पर ज़्यादा ध्यान रखिए. और लास्ट में हम मेजर कल्शी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से आपको तमाम तरह की जो है शुभकामनाएं देते हैं कि आपका पेपर अच्छा हो. ऑल द बेस्ट.